Assalamualaikum dear students, hope you all are doing great. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and I welcome you to the e-class of English organized by Common Postgraduate College Tiji Khan. Today we will be doing exercise of lesson number 3, that is why boys fail in college. In previous few lectures we discussed the whole text of the chapter, and this chapter is basically all about the reasons behind the failure of the college, why students get dropped from the college. That has explored number of reasons behind it. So as you know that we have gone through whole of the chapter, so today we'll be seeing its exercise. So first of all we will see few words and their meanings. Do not boundary, this is not a word, it is rather a whole sentence, a part of a sentence which is used in the first paragraph. So मैंने आपको पहले भी बताया था, boundary से ही हम मुराद है कि अपनी degree complete नहीं कर पाते. Get through मतलब pass हो जाना. Native ability मतलब having inborn ability, किसी के अंदर कोई natural ability हो कोई काम करने के लिए. Concentrate, assign, ये भी again पूरा एक part of the sentence है. Given full attention to given word, यानी कि इसके माने ये हैं कि आप किसी भी काम को full attention दें. Eradicate माने to root out, to finish something, to put an end to, कोई चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना. Take by color का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के साथ firmly deal करना, बहुत सख्ती के साथ deal करना. Wise and fidgets, ये जो पूरा बेटा बीच में dots आ रहे हैं ना, basically ये पूरा phrase है या पूरा idiom है जो कि विद इन अ सेंटेंस यूज़ हुआ है. और हम जब टेक्स्ट कर रहे थे तो मैंने आपको ये सारे मीनिंग भी बताए थे. तो इसके मीनिंग है बैलेंस इन सेल्फ डिसिप्लिन विच कीप बैक नर्वस एक्साइटमेंट. ठीक है, यानी कि अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक बैलेंस हो जो आपकी नर्वसनेस पे या आपके लैक ऑफ फोकस पे काबू कर सके. मैप्ड आउट मतलब टू प्लान समथिंग, टू चॉक आउट समथिंग, पहले से किसी चीज़ को प्लान करना, भाई ये काम हमने ऐसे करना. रन काउंटर टू मतलब टू गो अगेंस्ट द करंट, यानी कि जो काम पूरी इस वक्त राइज हो पूरी दुनिया में या जो एक ट्रेंड हो उसके अगेंस्ट कोई काम करना, उसको कहते हैं जनाब रन काउंटर टू. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट मतलब ऑल दैट कैन और नीड बी सेड, यानी कि जितना आप कहना चाहते थे वो आप कह चुके हैं, मजीद कोई बात जो है वो मजीद कहने की ज़रूरत नहीं. ओपनिंग मीन्स पोजिशन विद बिजनेस ऑफरिंग, यानी कि जब आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, ये बिज़नेस जो है आपका, तो कौन सी पोजीशन पर आप स्टार्ट करेंगे या बिज़नेस आपको कौन सी पोजीशन देगा. डिटेस्ट मीन्स टू हेट. विन आउट मतलब सक्सेस, सक्सीड करना, कामयाब हो जाना. कंट्रोवर्सी मतलब एक किस्म की क्या इसको उर्दू में कह सकते हैं, एक ऐसी बात हो जाना जिसमें इख्तलाफ़. ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी मतलब इख्तलाफ हो जाना, मतलब आर्ग्यूमेंट स्पेशली पब्लिक शॉर्ट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपरों में कोई बात छिपे, ख़ासतौर पर न्यूज़पेपर्स में आती होती हैं ये कॉन्ट्रोवर्सीज के एक पार्टी का ओपिनियन कुछ और दूसरी पार्टी का ओपिनियन जो है वो कुछ और हो. ऑफेंड मतलब टू डिसप्लीज समवन, टू ऑफेंड समवन, किसी को आप जो है वो क्या करें, उसको ऑफेंड कर दें, उसको अच्छा ना लगे आप कोई ऐसी हरकत करें, उसको गुस्सा आ जाए. हिमसेल्फ टू ट्राई, डज नॉट फील इंक्लाइन टू ट्राई. हिमसेल्फ टू ट्राई इसमें एक फ्रेज यूज़ हुआ है जिसके मायने हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं ये बेसिकली, तो इसके मायने हैं कि वो खुद ही ट्राई करना नहीं चाह रहा. अलाइव टू, अलाइव टू मतलब किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना, आप जानते हो कि ये मसला ये है और इसको इस तरह हल करना. एप्लीकेशन मतलब टू अप्लाई समथिंग, टू एम्प्लाई समथिंग, के अप्लाई करें आप किसी भी चीज़ को, अमल करना किसी भी चीज़ का. फ्लोट थ्रू द कॉलेज मतलब पास थ्रू द कॉलेज वेरी ईजिली. कीननेस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आपका पैशन हो कोई चीज़. फासेज अप मतलब अ थिंग विच जस्ट पास आउट विदाउट एनी यूटिलिटी, कोई चीज़ यूटिलाइज ना हो पाए. रिसेप्टिव मतलब एबल और क्विक टू रिसीव आइडियाज़, ऐसे बच्चे जो आइडियाज़ को बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं और जल्दी सीख लेते हैं नई चीज़ें. एटीट्यूड, बिहेवियर, पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एनी थिंग. ठीक है, एडिक्वेट मतलब इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आपके लिए बहुत काफ़ी हो कोई चीज़. हेल्थ सर्विस मींस मेडिकल केयर. अपेरेंट मींस विच इज़ विजिबल,
अपेरेंटली आपको नजर आ रही हो, विजिबल है, क्लियरली सीन. इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मीन्स टू गेट नॉलेज, नॉलेज लेना. सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इज रिप्लेसमेंट. ठीक है, कोई पत्ता हो, कोई चीज़ हो, वो एक जगह दूसरी जगह, कोई वो किसी और चीज़ की जगह ले ले या किसी और शख्स की जगह ले ले, तो उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं. ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज़ ओके. सब्स्टिट्यूट ये हो गया. टू ब्रिंग इट टू बियर, इसका मतलब है टू अप्लाई समथिंग, एप्लीकेशन करना किसी चीज़ की. ऑन हिज वे मतलब अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, जाहिर है कोई बच्चा उसे अपना रास्ते बनाने हैं तो वो उसके लिए क्या करता है, पैसे जो है वो कमाना शुरू करता है अपनी एजुकेशन के लिए. माइटी, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लार्ज. डिटर्मेंट, डेट्रीमेंट, सॉरी, डेट्रीमेंट इज एक्चुअली लॉस, इंजरी, किसी चीज़ की कोई नुकसान हो जाए उसको डेट्रीमेंट कहते हैं. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड लगाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड देते होते हैं तो वो किसी और को लगा दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन. हार्ट रेंडिंग, पेनफुल, हार्ट रेंचिंग, दिल में बहुत मतलब जिसका दर्द हो, ऐसी एक चीज़. इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, ऐसी चीज़ जिसको आप रोक ही नहीं सकते. ठीक है, सी देम थ्रू, सी देम थ्रू मतलब इनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स, कि आप देख सकें कि वो अपना पूरा कोर्स जो है वो बच्चे जो है वो कम्प्लीट कर लें. हेड्स आर टर्न, फील वेरी वेन. हेड्स आर टर्न मतलब लोग समझते हैं कि यार ये बंदा बिल्कुल ही बेकार है. वेरी वेन मतलब बिल्कुल ही बेकार. पर्वर्टेड, पर्वर्टी मतलब बिगड़ जाना. गेट टर्न टू अ रॉन्ग यूज. साइड शोज, साइड शोज आर एक्चुअली गेम्स. साइड शोज के बारे में ये इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साइड शोज कहा है. प्रोफेशनल, डूइंग अ थिंग फॉर अ लिविंग. प्रोफेशनल मतलब पेशा बनाना, यानी कि ठीक है जिससे आप अपनी लिविंग कमाते हैं वो आपका पेशा होता है, जिससे आप पैसे कमाते हैं. स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, स्वेप्ट ऑफ देयर फीट मतलब अलाउड देमसेल्फ टू बी कैरिड अवे, यानी कि अपने आप को अलाउ कर देना, अपने आप को छोड़ देना हालात के धारे पर. सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज, इसको हम कहते हैं दूरंदेशी, या फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखना कोई चीज़, बाहर से देखना, उस सिनारियो का हिस्सा ना होना. ब्लफर, ब्लफर इज़ द मतलब पर्सन हु डिसीव्स अदर, ऐसे लोग जो बस लंबी लंबी बातें करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं. ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब बस ऐसे ही बहते चले जाना, ड्रिफ्ट हो जाना. गो एमलेसली विदाउट एनी एम, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द वेज ऑफ द वर्ल्ड. कोल्ड वर्ल्ड, कोल्ड वर्ल्ड मतलब अनसिम्पथेटिक वर्ल्ड, हार्श वर्ल्ड. बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑब्लिगेशन टू प्रूफ अ गिवन स्टेटमेंट, और ये किसके ऊपर होता है, ये ब्लफर के अपने ऊपर ही होता है. सी इट्स होल, सी लाइफ इन अ बैलेंस वे फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि जिंदगी को, जिंदगी की पूरी पिक्चर को देखना. पूरी पिक्चर से मुराद ये है क्या, आप जिंदगी के हर हर पहलू में जो है उसको कंसीडर करें. सो वी आर डन विद द डिफिकल्ट वर्ड सिनोनिम्स. इफ इवन देन यू हैव सर्टेन वर्ड्स विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, you may ask in the comment section. So let's move on to answer and question session. Question number 1 is, according to the author, there are some boys who fail because they do not try. Who are these and can we help them? Now if you could recall, these are the people, these are the boys who feel themselves very intelligent because they have been very intelligent during their school life, and then they passed their school very easily. So that is why they feel that they would achieve everything very smoothly. So they do not try much. And how can we help them? We have to counsel them. आपको उन्हें counsel करना होगा, ठीक है. How does the question number 2? How does mistaken ambition or the part of the boy and the parent lead to the failure of the boy? This is a very important reason we discussed past few days, that actually what happened, parents force their children to study something which they don't feel like studying. So this make them depressed and they don't study much, and that is why they get failed. Question number 3. There are some boys who have done well at a school but failed to make their mark in college. Who are they? Do you have such boys in college in your own country? Now listen carefully. These are those boys actually, or those students actually, which believe that they are very, you can say, intelligent, and as they have passed school very easily, so they would be passing college very easily, and that is why they don't try, and that is why they get failed. Okay.
How does financial pressure lead to the failure of the student described in the lesson? Do you have similar cases in your country? We have number of cases in our country and in our college even. बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से. और वो हमने देखा, राइटर ने इसको डिस्क्राइब किया इन डिटेल में. राइटर बिलीव दैट बिकॉज ऑफ द नीड टू अर्न मनी और टू मीट द एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन द स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड. दे वर्क इन नाइट एंड देन इन मॉर्निंग दे स्टडी. सो वॉट हैपन, दिस डोंट थिंक एक्चुअली मार देयर हेल्थ. एक तो उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, मेंटल और फिजिकल, लिहाजा वो कर ही नहीं पाते. और दूसरा, दे कुड नॉट, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एबल टू मीट द एक्सपेंसेस. इतना वो कमा भी नहीं पाते, अर्न भी नहीं कर पाते तो वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर सकें. एंड दैट इज़ वाई दे जस्ट दे आर ड्रॉप फ्रॉम स्कूल्स. और हमारे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं. सो हेयर आई मस्ट टेल यू समथिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ कॉलेज, यू आर स्टडिंग रेगुलरली, सो यू नो बेटर within your class that what are those students who are very much needy. कौन से स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं या जिनको बहुत ज़रूरत है या उनसे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे. सो यू बेटर ट्राई टू हेल्प देन इफ़ यू कैन, एंड इफ़ यू कैन नॉट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, यू मे कंसल्ट टू एनी ऑफ योर टीचर एंड यू मे कंसल्ट इवन मी सो दैट वी कुड सेव देम फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट. ठीक है, इवन आवर कॉलेज हैज़ अ फंड फॉर नीडी स्टूडेंट्स. दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट फॉर्म विच इज़ नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट बट रादर टीचर्स अक्यूमुलेटेड. सो इफ़ यू नो सच पर्सन, ट्राई टू हेल्प हिम और हर एंड ट्राई दिस थिंग दैट नोबडी शुड गेट आउट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही और शी इज़ लैकिंग मनी. ओके, सो दिस इज़ समथिंग which is not relevant with the chapter itself. But question number 5, to what extent does the question of health lead to the failure of college? Question of health jo hai wo bahut ek important jo cause tha, factor tha inke failure ke piche, humne dekha, writer ne bataya ki hota hai ki aap focus nahi kar pate, aapka jism bimar hai to zahir hai aapka dimag bhi bimar hai. A healthy body contains a healthy mind. If your body is not healthy, your mind is not healthy, and if your mind is not in good health, you won't be able to focus on the intellectual enterprises like study and all these things, and that is where you get failed. So how far can college authorities with their medical officer help such students, such kids? This is very important. Medical colleges, good colleges, even we do have dispensary in our college where there is a assigned teacher over there, and the doctor is also there to help you. So this is the job of the college administration, that they should point and they should diagnose such a student, and they should give them medical aid, and if needed they should also consult their parents, and they should ask their parents to take care of the health of the kid. So question number 7, what place would you accord to sportsmen in the colleges? Aap apne college mein sportsmen ke liye kya jo hai wo jagah jo hai wo समझते हैं क्या है या होनी चाहिए. नाउ दिस इज़ योर ओपिनियन. हमें कॉलेज पढ़ा है, हमने पूरा चैप्टर. आप क्या समझते हैं कि कितना इनका शेयर होना चाहिए, कितनी इनकी स्पोर्ट्समैन की कॉलेज में स्टेटस होना चाहिए? ये आप अपना पर्सनल ओपिनियन लिखेंगे. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो इन कॉलेज फॉर फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे? नाउ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट एंड यस देयर आर, दे जस्ट दे आर अ काइंड ऑफ ब्लफर स्टूडेंट. They just get in the college without any aim, so they keep enjoying. उनके कहते हैं अच्छा जी चलो घर में भी तो बोर हो रहा है, कॉलेज के एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पर मज़े करेंगे. सो द स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज जस्ट फॉर फन, सो वॉट डू यू थिंक वेदर दे शुड अलाउ टू स्टे और नॉट? वेल, इफ़ आई मे गिव माई ओपिनियन, आई वुड से यस दे वुड अलाउ, वेदर दे कम फॉर फन और वॉट एवर रीज़न, बट दे विल बी गेटिंग सर्टन एजुकेशन और दे माइट बी गेटिंग डिग्री आउट ऑफ दैट इफ दे टेक इट लिटिल बिट सीरियस. अच्छा जनाब, दूसरा, लेकिन अगेन इट्स अप टू यू, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. सो वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह द होल ऑफ द चैप्टर अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज एंड द सिनोनिम. एंड इफ यू डोंट गेट एनी थिंग, इफ यू डोंट गेट एनी आइडिया, इफ़ यू डोंट कैच एनी आइडिया और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू ओवर देयर. So, before ending the lecture,
अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस एंड फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू मेक अदर स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब द चैनल टू. सो टुमारो इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग लेसन नंबर 4 दैट इज़ द एंड ऑफ टर्म. सो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग टुमारो. ओके. Until then, Allah Hafiz.